मुख्यमंत्री जिंदाबाद, बाल भाई सुख्यमंत्री जिंदाबाद, बाल भाई सुख्यमंत्री जिंदाबाद। रानी टुक गया ना, और जिस तरह मोरनी और मेरा रतन, मैं रतन दे आ रहा चिकन पंचायत पूरी कली कली वोट गोपाल सुख्यमंत्री नो जानी है। मैं वही हौसला, वही ताकत, वही हौसला, वही ताकत थारे मां भी देखना चाहता हूं। एक बार ताड़ी लगा बता दो कि थारे में वही ताकत है। अगर आज की डेट में जो गोपाल सुख्यमंत्री उदे तक पहुंचा बाकी धन्यवाद है जी आपका, इन्हें मेरा इन्ना मान सम्मान कर। बाकी हूँ वोटा का सारे इलाके में घूम जी, ठीक है। इस इलाके का तो मैं फिर पता ही था, खासकर आपकी बरादरी में ऐसे ही देखी जी, पूरा ना मेरी जुड़े भी चलो हमें रहे वे किसी के काम भी आए होने। चलो रुड़की चले गए जी, देखो रुड़की के सुनाओ। रुड़की में वहाँ पर जड़े आपके बंदे रुड़की में ऐसा प्रोग्राम कराया ना हमने भी पूरे जयपुर में ऐसे प्रोग्राम कहा आपके बच्चे ने फोन पे करे बेचारे मैंने पता क्या था पूरा भी हमारा बंदे मतलब हमारे प्रोग्राम मतलब इन्ने खड़े उम्र के बहुत तगड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हौसला मैं बिल्कुल सामने लगे देख दो देखो तक प्रार्थना है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज आपके हाथ में है, आज आपका बेटा मैदान में है, सभी बुजुर्गों का सभी आज फर्ज बनता है कि भाई को एक एक वोट हीरा के निशान के सामने वाला बटन दबाकर भाई को कामयाब बनाए ताकि आने वाला जो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो वो आपके बच्चों का सपने साकार हो। तभी आपके सपने साकार होंगे जब आप एक किसान के बेटे को अपने भाई को विधानसभा भेजेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर भाई गोपाल जी के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद, जय। इस गांव के सरपंच जी संजीव कुमार जी से कहूँगा जो आए और अपने विचार हमारे सामने रखे, जनता के सामने रखे। जोरदार तालियों से संजीव कुमार जी को बधाई। जाकर चुनना है क्योंकि आपकी वोट में वो दम है कि 10,000-20,000 युवाओं का जो भाग्य है वो आप ही तय करते हैं। युवाओं से मैं एक बात कहूँगा कि चिंता नहीं, चिंतन करो, आलस नहीं, मेहनत करो, क्योंकि आज आपने किसकी लड़ाई लड़ी है? अपने गोपाल भाई की लड़ाई लड़ी है। एक किसान अपने बच्चे को 10वीं पास कराता है, 12वीं पास कराता है और क्या सोचता है कि मेरा बेटा कल फौज में जाएगा या पुलिस में जाएगा। लेकिन आज इस बेईमानों ने, इस बेईमान सरकार ने फौज की भर्ती को अपनी वीर का नाम देकर सभी युवाओं के पानी फेंक दिया। बड़ा सुखद है, 4 साल में बच्चा फौज में भी भर्ती हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, तो क्या फायदा इसकी नौकरी? पहले तो वो 10 साल 10 लाख रुपए देकर भर्ती होगा और 4 साल